हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, यहाँ पे वीवो ने वीवो V20 2021 एडिशन में ना मई के पहले हफ्ते में ही एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी अगर यूज़र हैं वीवो V20 2021 एडिशन के ना, तो फटाफट एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करिए। हो सकता है दोस्तों ये अपडेट आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो 2 से 3 दिनों के अंदर ये जो अपडेट है ना आपको OTA के द्वारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आपके वीवो V20 2021 एडिशन में मई के मंथ में जो पहला अपडेट देखने को मिला है उसकी साइज क्या है, उसका वर्जन क्या है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि इस अपडेट में आपके वीवो V20 2021 एडिशन में एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके वीवो V20 में क्या नया अपडेट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये राघव भाई हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर। और बात करें दोस्तों वीवो V20 2021 एडिशन में अपडेट की, तो आपको भी पता होगा कि वीवो V20 2021 एडिशन में अप्रैल मंथ में जो अपडेट जारी किया गया था उसका वर्जन था 6.70.63। और दोस्तों, जो मई में अपडेट जारी किया गया है उसके वर्जन की बात करें तो आप देख सकते हैं वो है 6.70.64। और साइज़ की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 186 MB के आसपास की साइज़ है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, तो मैं कहूँगा दोस्तों जो भी थोड़ा बहुत बग्स या इशू आपके फ़ोन में देखने को मिल रहे थे ना, उसको यहाँ पे फिक्स करने की बात की गई है। अगर आप सिस्टम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज सिस्टम ऑपरेशन परफॉर्मेंस एंड इन्हांस सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा दोस्तों कि इस अपडेट में आपके फ़ोन में सिक्योरिटी पैच का अपडेट नहीं मिलेगा। अभी भी आपके फ़ोन का जो सिक्योरिटी पैच है वो अप्रैल का ही देखने को मिला है। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे कहीं मेंशन तो नहीं किया गया है कि इस अपडेट में आपके वीवो V20 2021 एडिशन में कोई एडिशनल फीचर देखने को मिल रहा है, मगर मैं कन्फर्म हूँ दोस्तों कि इस अपडेट में आपको एक फीचर देखने को मिला है जिसका नाम है UI कलर। ऑलरेडी उसका भी इन्होंने स्क्रीन शॉट्स मेरे साथ शेयर किया, मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं नीचे की ओर UI कलर का एक फीचर ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस है। ये काम कैसे करता है तो आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं। एक आप यहां पे आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे साइड में आप देख सकते हैं UI कलर का फीचर देखने को मिला है। और इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल है यहाँ पे आ जाएगा। और ये किस तरह काम करता है, ऑलरेडी इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो आपके फ़ोन में जो भी गूगल के ऐप है ना उसमें ये प्रॉपर तरीके से काम करता है और आपके फ़ोन का जो लुक है ना उसको एक तरह से इन्हांस कर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।